الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توفيق الهي اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے جمعہ کی عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جزاء الاعمال کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کے آخر میں کچھ شبہات کے جواب دیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انسان کو بعض شبہات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ اس کا نفس ہیلے بہانے کرتا ہے اور اس کی آڑ میں انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے. ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے, سوچتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا. دوسرا شبہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو گناہ کر لو, آگے چل کے توبہ کر لیں گے. ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو گناہ کر لیں پھر اس کے بعد معاف کرا لیں گے. تو یہ سارے شبہات ہیں جو انسان کا نفس اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور ان شبہات کی وجہ سے انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں, ہماری تقدیر میں ہی یوں لکھا ہے. ہم کیا کریں, ہماری تقدیر میں ہی یوں لکھا ہے.
और ये शुबा बहुत अर्जा है कि हर कसो नाकस इससे मुंतफा होता है, यानी इतना सस्ता है ये शुबा कि हर कसो नाकस इससे फायदा उठाता है। आगे हजरत इसका जवाब देते हैं कि साहिबो, जरा इंसाफ करना चाहिए कि जिस वक्त गुनाह करते हैं, ख्वा इसी कज़्द से करते हो कि चूंकि हमारी तकदीर में लिखा है लाओ तकदीर के माफी कर लें, यानी गुनाह करते वक्त इंसान को कभी इसका वसवसा भी नहीं आता कि ये गुनाह मेरी तकदीर में लिखा है, चलो लाओ मैं गुनाह कर लेता हूं, तो कभी इसका वसवसा नहीं आता। उस वक्त इस मसले का होश भी नहीं रहता। जब गुनाह से फरागत हो जाती है, अब फुर्सत में तावील सोचती है, अब कोई बहाना होना चाहिए कि क्यों गुनाह किया। इंसान के अंदर अल्लाह ने ईमान रखा है ना, तो शामत आमाल से, शहवत की वजह से, लज्जत की वजह से, नफसानी ख्वाहिशात की वजह से इंसान गुनाह कर गुजरता है। लेकिन चूंकि अंदर ईमान का नूर मौजूद है, तो अंदर से एक कसक सी पैदा होती है, अंदर से एक बेचैनी बेकरारी सी पैदा होती है कि तूने गुनाह क्यों किया, तूने अल्लाह की नाफरमानी क्यों की, अल्लाह को नाराज कर दिया। अब जब गुनाह से तो फारिग हो गया, फुर्सत मिल गई, अब फुर्सत में इसका नफ्स इसे तावील सुझाता है, कभी कहता है कि चलो कर लिया, क्या हुआ, तौबा कर लेंगे, अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह गफूरुर रहीम है। अब ये क्या है, ये नफ्स की तावील है। इसी तरह से ये तावील भी सुझाता है कि भाई तकदीर में ऐसे ही लिखा था, तो तकदीर में लिखा था तो गुनाह हो गया, तो कोई ये पूछे कि जिस वक्त गुनाह किया था क्या उस वक्त भी सोचा था तकदीर में लिखा है कि लाओ तकदीर का लिखा हुआ पूरा कर लो। क्योंकि दुनिया के अंदर अल्लाह ने इंसान को इख्तियार और इरादे के साथ भेजा है, गुनाह के ख्यालात, गुनाह के तकाजे इंसान के अंदर पैदा होते हैं, कभी अंदर से, कभी बाहर से, कभी माहौल की वजह से मैलानात इंसान के अंदर रखे हैं, खैर और शर के तकाजे अल्लाह ने रखे हैं। लेकिन अल्लाह ने इंसान को मजबूर और बेबस पैदा नहीं किया कि जो इसका नफ्स चाहे वो इससे करा ले, या जो शैतान चाहे वो इससे करा ले, और ये इतना बेबस है कि उनके सामने कुछ भी ना कर सके। नहीं, ऐसा नहीं है। नफ्स क्या करता है, शैतान क्या करता है, शैतान भी एक वसवसा दिल में डाल देता है, ख्याल डाल देता है फला गुनाह कर ले। और शैतान के वसवसे की पहचान ये है कि एक गुनाह का ख्याल डाला, इसने कहा मैं तो नहीं करता, फौरन दूसरा ख्याल आता है कि ये कर ले, इसने कहा ये भी नहीं करता, तीसरा ख्याल आता है। तो जब गुनाह के ख्यालात बदल बदल कर आए, तो ये अलामत इस बात की है कि शैतान की तरफ से है, शैतान बहका रहा है। अब क्या करे, हिम्मत करके अपने आप को बचाए, शैतान मरदूद पे लानत भेजे, आउज़ बिल्लाही मिन शैतानिर रजीम। लेकिन हिम्मत करके अपने को बचाना पड़ेगा, बस शैतान इससे ज्यादा नहीं कर सकता, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतना इख्तियार उसे नहीं है कि किसी का हाथ पकड़ के जबरदस्ती गुनाह करा दे। इंसान खुद करता है, अपने इख्तियार और इरादे से करता है, तो ये फिर तावील चलने वाली नहीं। एक इसे तिफिल तसल्ली तो कह सकते हैं कि अपने आप को तसल्ली दे दी, बच्चों वाली तसल्ली, तिफिल तसल्ली। लेकिन क्या अल्लाह के सामने ये बहाना चल जाएगा कि जी शैतान ने बहका दिया था मैंने गुनाह कर लिया, मेरे नफ्स ने बहका दिया था मैंने गुनाह कर लिया, तो अल्लाह के सामने ये बहाना चलने वाला नहीं। इसी तरह से इंसान का नफ्स क्या करता है, इंसान का नफ्स किसी बुराई का अंदर से तकाजा पैदा करता है, किसी गुनाह का तकाजा पैदा करता है, और उसकी पहचान यह है कि वो एक ही बुराई पर जमाता है, बस ये कर ले कर ले कर ले। तो जब किसी एक गुनाह पर ख्याल जमने लगे, अंदर से तकाजा पैदा हो, शिद्दत के साथ हो, और एक ही गुनाह के बारे में हो, तो अब समझ जाना चाहिए कि ये नफ्स की जानिब से है, नफ्स अंदर से शरारत कर रहा है। अब नफ्स की शरारत का इलाज क्या है, मुखालफत नफ्स, कि अपने नफ्स से, अपने जी से ये कह दे भाई तेरा बंदा नहीं, अल्लाह का बंदा हूं, तेरा हुक्म नहीं मानूंगा, अल्लाह का हुक्म मानूंगा,
और मेरे अल्लाह का हुक्म है कि गुनाह के करीब मत जाओ, तो मैं कैसे गुनाह कर लूं? तो अब यहां पर उसका इलाज मुखालफत नफ्स है कि अपने इख्तियार और इरादे से नाफरमानी ना करे, उस वसवसे गुनाह के ख्याल को तकाजे को मुंह ना लगाए और इख्तियार और इरादे से अपने को बचाने की पूरी कोशिश करे, पूरी कोशिश करे। और जब बंदा अपने इख्तियार और इरादे से कोशिश करता है तो फिर इस कोशिश में ये तन्हा नहीं होता, इस कोशिश में अल्लाह ताला इसके साथ होते हैं। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, कि जो अल्लाह के रास्ते मशक्कत बर्दाश्त करते हैं ना, अब गुनाह छोड़ने में क्या है, मशक्कत है, तकलीफ है, क्योंकि इंसान का नफ्स उस लज्जत को हासिल करना चाहता है और छोड़ने में तकलीफ महसूस करता है। तो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए थोड़ी देर के लिए उस तकलीफ को बर्दाश्त कर लेना चाहिए, तकलीफ को गवारा कर लेना चाहिए। किस लिए कर लेना चाहिए? इसलिए कि इसके आगे अगर गुनाह कर लिया, अभी तो गुनाह से बचने की तकलीफ है और गुनाह करने का क्या होगा, अजाब होगा। और गुनाह करने का जो अजाब है वो इतना सख्त है, इतना अशद है कि इंसान उस तकलीफ को, उस अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इंसान के अंदर उसकी सहार नहीं है। इसीलिए बुजुर्गों ने इलाज बयान किया कि जब इंसान के नफ्स में शरारत पैदा होने लगे तो अपने नफ्स से मुकालमा करना चाहिए कि देख, अगर तूने ये गुनाह किया तो तुझे अजाब है और अगर ना किया तो तू जन्नत में है, तो क्या तू इस अजाब को बर्दाश्त कर सकता है? और इंसान तो बड़ा कमजोर है, कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तो यहां पर मुखालफत नफ्स है कि अपने नफ्स की ख्वाहिश की मुखालिफत करना, अपने इख्तियार से, अपने इरादे से अपने आप को गुनाह से बचाना। क्योंकि इंसान जो मुकल्लफ है वो इख्तियारी चीजों का मुकल्लफ है, गैर इख्तियारी का मुकल्लफ नहीं। गैर इख्तियारी तौर पर इसको 1,00,000 वसाविस आए, इसके लिए बिल्कुल मुजिर नहीं है, लेकिन इख्तियारी तौर पर अगर इसने जबान से एक लफ्ज भी गीबत की, झूठ बोला, ये इख्तियारी है, इस पर पकड़ है, सजा है। इसने बदनजरी की इख्तियारी तौर पर, किसी एक निगाह भरकर किसी को देखा शहवत की नजर से, हराम है, नाजायज है। किस लिए? कि अपने इख्तियार से ऐसा किया। तो साहब नजर तो माफ है कि भूले से इंसान की नजर पड़ गई, फौरन अपनी नजर को झुका लिया, तो साहब नजर तो माफ है, लेकिन कसद नजर हराम है कि कसद और इरादे के साथ किसी को देखना, किसी को घूरना, ये हराम है। अब यहां पर अपने आप को गुनाह से बचाना फर्ज है। और यहां पर एक बात और जहन में रखनी चाहिए कि जिस तरह से नेकी करके उस पर अजर व सवाब है और जिस तरह नेकी करके उस नेकी पर अल्लाह ताला का कुर्ब है, इंसान के मरातिब की तरफ बुलंदी है, तरक्की है, इसी तरह से गुनाह से बचकर भी अल्लाह ताला की रजा भी हासिल होती है, अजर व सवाब भी मिलता है और अल्लाह का कुर्ब भी हासिल होता है। क्योंकि जब इंसान के नफ्स में गुनाह के तकाजे पैदा हों, उस वक्त गुनाह से अपने आप को बचाना फर्ज है। जिस दर्जे में नमाज का पढ़ना फर्ज, उसी दर्जे में गुनाह से बचाना भी फर्ज। और जो सवाब फर्ज नमाज पढ़कर इंसान को हासिल होता है, क्योंकि इबादात में नमाज सबसे अहम और उसमें फर्ज नमाज ईमान के बाद सबसे अहम फरीजा, तो ये फर्ज नमाज पढ़कर जो अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, वही अल्लाह का कुर्ब गुनाह से बचकर भी हासिल होता है। इसलिए ये ना सोचे कि मस्जिद में जाऊंगा तो सवाब मिलेगा और दुकान पर जाऊंगा या बाजार में चलूंगा फिरूंगा तो कोई दुनियादारी का काम है नहीं। अरे भाई, कभी अल्लाह मस्जिद में बुला के सवाब देता है और कभी रास्ता चलते भी सवाब दे देता है कि रास्ता चलते कोई गुनाह का मौका आ गया, इसने अपनी नजर को झुका लिया, नजर को बचा लिया, तो वही सवाब जो मस्जिद में बुला कर दिया था, वही सवाब सड़क चलते भी मिल जाता है, वही कुर्ब अल्लाह का मिल जाता है। हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हजरत के एक मुरीद थे, मक्का मुअज्जमा में बीमार हो गए। जब बीमार हो गए तो
कुछ दिन हरम पाक में ना आ सके, हरम की नमाजें चली गई, नमाज बजमात ना पढ़ सके, घर पे नमाजें पढ़ी। जब उन्हें इफाका हुआ तो हजरत की खिदमत में आए और आकर कहा कि हजरत बुखार आया और इतने दिन हरम की हाजिरी से और हरम की नमाजों से महरूम रहा। तो हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सुन लिया। फिर बाद में हजरत ने फरमाया कि अगर ये शख्स आरिफ होता, अल्लाह की मार्फत रखने वाला, अगर ये आरिफ होता तो ऐसी बात ना करता, क्योंकि जब ये तकलीफ आई तो जाहिर गैर इख्तियारी चीज थी। अब जब गैर इख्तियारी चीज थी तो अल्लाह ने इस तकलीफ पर भी तो अजर रखा है, और वो नेकी जो किसी उजुर की वजह से छूट जाए, इंसान ने खुद तो नहीं छोड़ी लेकिन उजुर ऐसा है कि मस्जिद नहीं जा सकता, बीमारी है, कमजोरी है, तो अल्लाह घर बैठे वही सवाब दे देता है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है मेरे इस बंदे के सवाब को बंद ना करना, इसका सवाब जारी रहे, इसका सवाब लिखते रहो। इसीलिए कहा जाता है कि जवानी की इबादत, सेहतमंदी के जमाने की इबादत, कि जब सेहत भी है जवानी भी है उस वक्त में इबादत करनी चाहिए, फुर्सत के वक्त में इबादत करनी चाहिए। इसका फायदा क्या होगा कि फुर्सत के वक्त में जब इबादत की और मशगूली का जमाना आ गया और मशगूली के जमाने में उस नवाफिल की मुस्तहबात की पाबंदी ना कर सका, अल्लाह फरिश्ते से कहता है कि भाई इसके अजर को लिखते रहो, इसका सवाब बंद ना करो। इसी तरह सेहत और जवानी के जमाने में इबादत करता था लेकिन बुढ़ापे में आने के बाद इबादत में कमी आ गई, कमजोरी आ गई, बीमारी आ गई, अब न कसरत तिलावत है, न कसरत नवाफिल है, न कसरत अज़कार है। अब इंसान का जिस्म, उसकी कुव्वत उसका साथ नहीं देती। अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे के अजर को बंद ना करना, इसका जो अजर है उसे लिखते रहो, इसके अजर को बंद ना करो। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह अपने बंदों पर कितना मेहरबान है, समझे, कितना अल्लाह मेहरबान है कि सेहत के और जवानी के जमाने में जो इबादत की बुढ़ापे में आकर उसको ना निभा सका, अल्लाह सवाब को बंद नहीं करता, अल्लाह सवाब को जारी रखता है। तो इसलिए नेकी के मामले में इंसान को किसी गफलत का शिकार नहीं होना चाहिए, किसी कोताही में मुब्तला नहीं होना चाहिए। और इसी तरह जब किसी गुनाह का मौका आए तो गुनाह को मामूली समझकर उसे नहीं करना चाहिए, हिम्मत करके अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा भी गुनाह अगर है ना, छोटा सा गुनाह, वो भी दूसरे गुनाह का रास्ता खोल देता है, और एक नेकी उससे बड़ी नेकी का रास्ता खोल देती है। तो इसलिए गुनाह के रास्तों को बंद करना चाहिए और नेकी के रास्तों को खोलना चाहिए, और वो होता है करने से और बचने से। गुनाह से बचे, गुनाह से बचने की हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। अपने इख्तियार और इरादे से नेकी करें, नेकी करने की हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। तो ये सब कुछ इंसान की हिम्मत और इरादे पर मुनासिर है, बाकी ये सब कुछ हीला और बहाना है कि गुनाह कर लिया, अब गुनाह करके जब फारिग हुआ अब फुर्सत के अंदर तावील सूझ रही है, और तावील क्या सूझ रही है कि भाई किस्मत में यही लिखा था, तकदीर में लिखा था, तो तकदीर में लिखा था तो गुनाह हो गया। तो हजरत ये फरमा रहे कि जब तू गुनाह कर रहा था क्या तूने सोच कर किया था कि मेरी तकदीर में लिखा है? और तकदीर तो ऐसी चीज है कि तकदीर पर ईमान लाने का हमें हुक्म दिया गया है कि तकदीर के खैर और शर पर ईमान लाओ, लेकिन तकदीर किसी को बताई नहीं गई कि तेरी तकदीर क्या है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ने उसे लिख दिया है, लोहे महफूज पर लिखा है कि किसकी तकदीर में अल्लाह ने क्या लिखा है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी चीजों के अंदर अल्लाह ने इंसान को इख्तियार और इरादा देकर दुनिया में भेजा है कि ये गुनाह से बच सकता है अपने इख्तियार से, अपने इरादे से, ये नेकी कर सकता है अपने इख्तियार से, इरादे से। तो ये सोच करके जी तकदीर में असादा हो गया, तो ये सिवाय इसके कि तावील है, इस तावील से अपने आप को तो तसल्ली दे सकता है लेकिन इस तावील से अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह जानता है कि
कि जो कुछ इसने गुनाह किया है अपने नफ्स की शरारत से किया है, शहवत के लिए किया, लज्जत के लिए किया, अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किया, तो अल्लाह को कैसे धोखा दे सकता है? बस इस बहाने से अपने आप को तो तसल्ली दे सकता है, लेकिन क्या है? वक्ती तसल्ली है, वक्ती तसल्ली है, क्योंकि गुनाह करके इंसान के अंदर का जो इत्मीनान है, चैन है, वो चला जाता है। एक बेचैनी बेकरारी अंदर की बढ़ जाती है। गुनाह करने वाला, मुजद्दिद थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि गुनाह नेकी करने वाला तालिब मौला है, नेकी करने वाला तालिब मौला है, अल्लाह का तालिब है, और अल्लाह अपने तालिब को उसका मतलूब जरूर देता है। जिस चीज की तलब में अपने मौला का तालिब बना है तो अल्लाह उसे वो उसका मतलूब जरूर देता है, उसे चैन देता है, इत्मीनान देता है, उसे रिस्क देता है, उसे बरकत देता है, उसके घर में, औलाद में, माल में, हर चीज में बरकत होती है, क्योंकि उसकी नीयत और इरादा सही है कि अपने मौला का वो तालिब है, तालिब मौला है। और जो तालिब लज्जात हो, तालिब शहवात हो, तालिब ख्वाहिशात हो, तो जुर्म तो बहुत बड़ा है कि तालिब बजाय तालिब मौला बनने के तालिब ख्वाहिशात बन गया, तालिब लज्जात बन गया, तालिब शहवात बन गया। तो फिर जो जिस चीज की तलब में लगता है अल्लाह से वहीं धकेल देता है, और जब वहीं धकेल देता है फिर अल्लाह की नजर करम इस पर से हट जाती है, और जब वो नजर करम हटती है तो जिंदगी का चैन और सुकून चला जाता है। हिर्स और हवस बढ़ती है, ख्वाहिशात बढ़ती हैं, गुनाहों के तकाजे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए गुनाहों से निकलने का रास्ता यही है कि हिम्मत करके, इरादा करके अपने को गुनाह से बचाए, किसी नफ्स की तावील का शिकार ना हो। तो हम फरमाते हैं कि फुर्सत में यह तावील सूझती है। अगर इंसाफ करके देखो, खुद इस तावील की बेकदरी दिल में समझते होगे, अगर इंसाफ की नजर से आदमी सोचे ना कि क्या ये हकीकत है कि तकदीर में लिखा था मैंने गुनाह कर लिया, तो खुद इस तावील की बेकदरी बेवकती अपने दिल के अंदर महसूस करेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर तकदीर पर ऐसा ही भरोसा है कि तकदीर पर भरोसा था गुनाह हो गया, कहता तकदीर में लिखा था, तो तकदीर पर अगर ऐसा ही भरोसा है तो दुनियावी मामलात में इस मसले पर क्यों नहीं एतमाद किया जाता? जब कोई शख्स तुमको जानी या माली जरर पहुंचाए, पता है कि फला आदमी हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो भाई उससे बचने की कोशिश ना करो, उसे रोकने की कोशिश ना करो, उसे कोई सरजनिश या उस पर कोई इताब ना करो, बस बर्दाश्त कर लो कि भाई किस्मत में लिखा था, इसने मुझे तकलीफ देनी थी, चलो देने दो, कोई बात नहीं। नहीं, इस मामले में कोई ऐसा नहीं करता, हत्ता लिमकान सर तोड़ कोशिश करता है कि किसी तरह कोई दूसरा इंसान मुझे जरर ना पहुंचा सके, नुकसान ना पहुंचा सके, तो कभी इस चीज पर वो कनात नहीं करता। तो फरमाया कि समझ लिया करो कि उनकी तकदीर में यही लिखा था कि वो शरारत करेंगे, और तुम उनकी शरारत को सहोगे, बर्दाश्त करोगे, और वो तुम्हारा नुकसान करेंगे, लेकिन वहां आदमी मसला तकदीर से मुनकिर बन जाते हैं, वहां तकदीर याद नहीं आती, वहां तो पूरी कोशिश करते हैं कि वो नफा है तो उसे हासिल करें अपनी कोशिश से, अपने इरादे से। कभी ऐसा नहीं होता कि खाली दुकान रख के बैठ जाए कि तकदीर में होगा तो रिजक मिल जाएगा, अल्लाह ने रिजक का वादा किया है तो जो नफा अल्लाह ने देना है वो बगैर सौदा रखे भी दे देगा, कभी ऐसा नहीं होता। इंसान दुकान को सौदे से भरता है, माल डालता है, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करता है कि हाँ अब जो मेरे मुकद्दर का रिज्क अल्लाह वो मुझे देगा। कब देगा? असबाब को इख्तियार करने के बाद। तो दुनियावी मामलात में इंसान असबाब को इख्तियार करता है, असबाब इख्तियार करके फिर अल्लाह से दुआ भी करता है, अल्लाह से मांगता भी है, लेकिन गुनाह के मामले में फिर ये मयार क्यों नहीं आजमाया जाता? गुनाह के मामले में ये धोखा क्यों हो जाता है कि जी बस तकदीर में था और मुझसे गुनाह हो गया? इसलिए ये नफ्स की शरारत है। और मुजद्दिद थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया के मामले में तो तकदीर के मुनकिर बन जाते हैं, और यहां सबसे बढ़कर तकदीर पर तुम्हारा ईमान है, यानी यहां तकदीर पर ऐसा ईमान है गुनाह के मामले में कि गुनाह हो गया, जी तकदीर में लिखा था गुनाह हो गया,
تو گناہ کے معاملے میں اعتقاد اور دنیا کے معاملے میں اعتقاد نہیں، تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے نفس کی شرارت ہے، انسان کے نفس کی شرارت ہے، اور اپنے نفس کے جو مقاعد ہیں نا، نفس کے قید، اس نفس کے قید کو پہچاننا چاہیے، اس کے کس طرح سے یہ انسان کو پھانستا ہے اور کس طرح یہ اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے. اس لیے بھائی گناہ تو گناہ ہے، اور جب انسان گناہ کرے گا کوئی زبردستی سے نہیں کرائے گا، نہ نفس نہ شیطان نہ کوئی انسان، زبردستی کوئی نہیں کرا سکتا. اگر کرے گا تو اپنے اختیار اور ارادے سے کرے گا، تو جس اختیار اور ارادے سے یہ گناہ کر رہا ہے، ارے اس سے بچ بھی تو سکتا ہے، اور یہ سوچ کر کہ بھائی نیکی تو فائدے کی چیز ہے اور گناہ تو نقصان کی چیز ہے. اور اللہ نے انسان کے اندر یہ صفت رکھی ہے دفع مضرت اور جلب منفعت، کہ نقصان کی چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور نفع کی چیز کا طالب ہوتا ہے، نفع کی چیز کو حاصل کرتا ہے. دفع مضرت، مضرت کو دور کرتا ہے اور نفع کو حاصل کرتا ہے. لیکن جب گناہ کا موقع آتا ہے تو سب بھول جاتا ہے. اس لیے یہاں پر مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چند باتیں فرمائی، فرمایا کہ جب انسان کے نفس میں شرارت ہو، گناہ کے تقاضے پیدا ہوں، ایک تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میں کمزور ہوں، نفس اور شیطان یہ قوی ہیں، یہ مجھ سے گناہ کرانا چاہتے ہیں، اے اللہ اگر آپ نے میری مدد نہ فرمائی میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، اللہ سے مدد مانگے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نبر اللہ مرقدہ فرماتے تھے، ارے فوراً کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ورد کرو، بار بار اس کی تکرار کرو، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دیکھو کیسی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. تو پہلے اللہ سے رجوع کرو، اور دوسرا کام یہ کرو کہ ہمت کر کے اپنے کو گناہ سے بچاؤ. اور ہمت انسان کے اندر موجود ہے، ہمت کہیں سے لانی نہیں پڑتی، بس اندر جو موجود ہمت ہے اسے استعمال میں لانا ہے، اور یہ ہر آدمی اسے استعمال میں لا سکتا ہے. پھر جیسی انسان کی ہمت ہوتی ہے، ہمارے حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسی جیسی ہمت ویسی ویسی مدد. اب جیسی ہمت ہوگی ویسی وہاں سے مدد آ جائے گی، اور اگر ہمت کمزور ہوگی تو ظاہر ہے مدد نہیں آئے گی. تو ہمت کو استعمال لائے، بروئے کار لائے، پھر اللہ کی مدد کا مشاہدہ کرے کہ اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے، اللہ کس طرح بچا دیتا ہے. انسان خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اللہ کی مدد نہ ہوتی میں نہیں بچ سکتا تھا. تو بھائی ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، اور تمام مشکلات اور پریشانیوں کا جو حل ہے نا، رجوع اللہ میں، اللہ سے مانگنے میں ہے. اور اگر نفس کے بہکاوے میں آ کر کبھی گناہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر گناہ کے بار بار اصرار نہ کرے، بار بار وہ اس گناہ کو نہ دہرائے، نہ ریپیٹ کرے، فوراً توبہ کرے، فوراً اللہ سے معافی مانگے، فوراً صلح کرے کہ یا اللہ اب تو ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا. عزم بالجزم، توبہ کر کے فوراً اپنا معاملہ اللہ سے صاف کر لے. یہ نہیں کہ نفس کہتا ہے کہ ابھی تو ہو گیا نا، چلو اب تو کرتے رہو، ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، ابھی گناہوں کی لذت کو کیوں چھوڑتا ہے، پھر جب آخر وقت آئے گا تو توبہ کر لینا. تو معلوم ہے کہ آخر وقت کون سا ہوگا، شاید یہی وقت آخر وقت ہو، اس کے بعد مہلت ہی نہ ملے. تو اس لیے اگر گناہ ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور گناہ سے پہلے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اپنی ہمت اور ارادے کو کام میں لانا چاہیے، پھر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، اللہ انسان کو ہر برائی سے بچا لیتا ہے، ہر جگہ ہر موقع پر بچا لیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في اخر كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون
وصل على سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترغى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما نا مرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ نفس و شیطان کے مکائد سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ نیکی پر استقامت عطا فرما گناہ کی نفرت دلوں میں پیدا فرما ہر گناہ سے بچنا یا اللہ آسان فرما ہر نیکی کا کرنا یا اللہ آسان فرما فکر آخرت کو یا اللہ دلوں میں پیدا فرما مرنے سے پہلے اس کی تیاری کا فکر عطا فرما یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما سب کے علم میں عمل میں رزق میں یا اللہ خوب خیر و برکت فرما ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما رزق حلال عطا فرما آسان عطا فرما یا اللہ برکت والا رزق عطا فرما رزق ظاہر بھی عطا فرما رزق باطن بھی عطا فرما یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا یا اللہ ایمان کی ترقی اعضا کی سلامتی عطا فرما ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ جو بھی خواتین تشریف لاتی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما قدم قدم پر اپنی نصرت اور معیت یا اللہ نصیب فرما گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا آپس میں محبت الفت پیدا فرما نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما یا اللہ حج کی درخواستوں کا زمانہ ہے اے اللہ حجاج کرام حج کی درخواستیں لگا رہے ہیں اے اللہ جو بھی جانا چاہتا ہے سب کے لیے جانے کے اسباب پیدا فرما سب کے لیے آسانی عطا فرما سب کو حج مقبول حج مبرور عطا فرما اے اللہ یہ شرف یہ سعادت زندگی میں بار بار نصیب فرما اپنی غیبی مدد اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما سب کے دلوں کی نیک تمناؤں کو حاضری حرمین کی تمنا کو غیب سے یا اللہ پورا فرما سب کے جانے کے
या अल्लाह असबाब पैदा फरमा, या अल्लाह हमारे मुल्क पर अपनी रहमतों का नुजूल फरमा, इस मुल्क को अमन का सलामती का गहवारा बना, हर किस्मी बदअमनी बेचैनी बेसुकूनी को या अल्लाह दूर फरमा, या अल्लाह फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा, या अल्लाह उनकी हिफाजत भी फरमा, किफालत भी फरमा, इन जालिम और गासिब यहूद के जुल्म से नजात अता फरमा, इन जालिम और गासिब यहूद को तबाह बर्बाद फरमा, इनके नापाक वजूद से या अल्लाह इस अर्ज मुकद्दस को पाक फरमा, या अल्लाह जो हमने मांगा वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके वो भी अता फरमा, हमेशा अपने से मांगने वाला बना, हमेशा हमारी दुआओं को कबूल फरमा, अपनी बारगाह में मुस्तजाब दावात बना, रब्बना तकब्बल।